हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर नवनिधि इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर सोशल स्टडी टॉपिक। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था कैसे हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज जो आते थे जाते थे, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है। आज हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, बट बिफोर इट वी हैव टू लुक आवर हार्डवर्ड्स, व्हीलर्स, नियर बाय, डिस्टेंस, कॉन्वीनियंट, कॉमन, मोड, मेट्रो, आइदर, एलिवेटेड, प्रोजेक्ट्स, कॉन्वीनियंस, कंपनीज, बेनिफिट। इसको आपको 3 times लिखना है, लर्न भी करना है। इसके अलावा अगर कोई हार्डवर्ड्स आपको लगता है तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ओपन पेज नंबर 59, लैंड ट्रांसपोर्ट। देखिए, लुक सम पिक्चर्स आर गिवन हियर। स्कूटर, ऑटो, कार, बस, ट्रेन, मेट्रो, मोनोरेल। ओके, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 59 स्टूडेंट्स, पीपल यूज कार्स, कार्स, बसेस, ऑटो रिक्शास और टू व्हीलर्स टू रीच नियर बाई प्लेसेस। स्टूडेंट्स, गांव में क्या करते हैं, आज भी अगर जाएंगे तो दूसरे गांव में जाना है तो मे भी आप लोग देखे होंगे, आजकल तो बहुत कम हो गया, पीपल्स आर यूजिंग द कार्ट्स, बुलॉक कार्ट, और आजकल ज़्यादातर बसेस, ऑटो रिक्शा, और अपना पर्सनल जो टू व्हीलर्स रहता है उसमें नज़दीक के जगह को जाते हैं। पीपल यूज द रेलवेज फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल। और जो अभी कुछ माइग्रेटेड पर्सन यानी कि एक राज्य के रहने वाले दूसरे राज्य पे आते हैं, जैसे कोई आंध्र प्रदेश का है, कोई केरला का है, आके गुजरात में जॉब करते हैं, जब उनकी छुट्टी होती है, उनकी वैकेशन होती है, या कोई काम के हिसाब से उनको गांव जाना रहता है, तो उस समय उतनी लॉन्ग डिस्टेंस को दे आर कवरिंग बाय ट्रेन और प्लेन। इतनी लंबी दूरी जो ट्रैवल करना है तो वो ट्रेन या तो प्लेन में कवर करते हैं। लॉरीज एंड द रेलवेज आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, बड़े बड़े ट्रक या जो मेल ट्रेन से जो सामान, गुड्स ट्रेन जो सामान लाते हैं, मेल ट्रेन तो आपने इन जो मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट की भी कागज़ आते जाते हैं, लेकिन गुड्स ट्रेन जो होती है वो अपने हर स्टेट की प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में पहुंचाती है, दूसरे स्टेट के प्रोडक्ट और कोई राज्य में पहुंचाती है, तो सामान ये स्टेट से वो स्टेट भी एक साथ बहुत सारे बाय ट्रेन पॉसिबल होता है। ऑल दिस व्हीकल्स आर यूज्ड इन मोस्ट सिटीज, टाउन्स एंड विलेज इन इंडिया। ये सब जो है हमारा शहर और गांव में भी यूज होती है। इंडिया बींग ए लार्ज कंट्री, द रेलवे इज़ द मोस्ट कॉन्वीनियंट एंड कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो लुक स्टूडेंट्स, इंडिया इज़ नॉट ए स्मॉल कंट्री, बहुत सारे लोग रहते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे लिए जो होता है ट्रेन, रेलगाड़ी जो होता है अपने ट्रैवल के लिए बेटर कॉन्वीनियंट, बहुत एक अच्छी रास्ता है। इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आर यूज एज लोकल ट्रांसपोर्ट। बड़ी बड़ी सिटी में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन जो कि इलेक्ट्रिक पावर के हिसाब से वो ट्रेन चलती है, वो लोकल ट्रांसपोर्ट यानी कि सिटी में एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता एंड मुंबई आल्सो हैव लोकल ट्रेन्स कॉल्ड मेट्रो। और दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई में भी दूसरे जो लोकल ट्रेन होता है उसको मेट्रो ट्रेन कह के जानते हैं, जो कि आपकी ये पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हैं। देर आर नाइदर ऑन एवलेट और द अंडरग्राउंड लाइन्स ऑन और बोथ। अंडरग्राउंड लाइन्स या लाइन्स के ऊपर वो चलती है। इन सिटीज लाइक चेन्नई, जयपुर एंड हैदराबाद द मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विल सून बी कॉम्प्लीटेड। और शहर चेन्नई, जयपुर और हैदराबाद में अभी मेट्रो के काम चालू है और बहुत जल्दी भी वो कॉम्प्लीट हो जाएगा। मुंबई आल्सो बूस्टर्स ऑफ ए मोनोरेल सिस्टम इन लोकल ट्रांसपोर्ट।
लुक स्टूडेंट्स, ये मोनोरेल सिस्टम देखिए ब्रिज के ऊपर चलती हो, मुंबई में पब्लिक इतनी है तो ट्रैफिक के हिसाब से मोनोरेल का भी डेवलप किया गया है जो कि लोकल ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए काम आता है। ट्रेन्स एंड बसेस रन बाय द गवर्नमेंट कॉल्ड द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी बस और ट्रेन जो भी गवर्नमेंट सरकार के जरिए चलाया जाता है उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके लिए कभी कभी नोटिफिकेशन में आप देखते होंगे कि आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान मत करिए, ऐसे नोटिस भी बोर्ड में रहता है। सो स्टूडेंट्स, जो व्हीकल गवर्नमेंट की सरकार की ओर से चलाया जाता है उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। दिस इज़ फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक, द पीपल बसेस आर ऑल्सो रन बाय द प्राइवेट कंपनीज फॉर बेनिफिट ऑफ द पीपल। इसके साथ साथ भी सरकार तो जो बस चलाते हैं ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग ने भी देखा होगा बहुत सारे प्राइवेट बस जो स्लीपिंग कोच है, गवर्नमेंट का भी स्लीपिंग कोच है, आप आने लगा है और कंफर्टेबल रहता है कि लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो, इसको देखते हुए भी कुछ प्राइवेट कंपनियां भी प्राइवेट बस वगैरह चलाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, स्मॉल और लार्ज शिप्स, स्टीमर्स एंड ऑयल टैंकर्स कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स अक्रॉस द वाटर बॉडीज इन इंडिया, पीपल ऑल्सो यूज द बोट्स फॉर फिशिंग। स्मॉल और लार्ज शिप्स, छोटा या बड़े जो पानी के जहाज होते हैं, स्टीमर्स एंड ऑयल टैंकर्स कैरी पैसेंजर्स, वो पिक्चर्स दिया गया स्टूडेंट्स देखिए, वो लोग पैसेंजर लेते हैं एंड गुड्स, पैसेंजर के साथ साथ सामान भी लेते हैं, अक्रॉस द वाटर बॉडीज यानी कि पानी के ऊपर से। इन इंडिया पीपल ऑल्सो यूज बोट फॉर फिशिंग, और भारत में आदमी हमारे जो लोग हैं बोट में से भी फिशिंग यानी कि मछली भी पकड़ते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट, दिस इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट ये दोनों के मुकाबले जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत फास्ट है यानी कि बहुत जल्दी पहुंचाता है। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स कैरी पीपल एंड गुड्स टू वेरियस प्लेसेस एट ग्रेट स्पीड। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर ये दोनों क्या करते हैं, पैसेंजर्स जो रहते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह पे, और गुड्स जो सामान रहता है एक जगह से दूसरे जगह पे बहुत स्पीड के पास साथ पहुंचा देती है। इंडिया हैज़ एयरपोर्ट्स इन ऑलमोस्ट एवरी बिग सिटी, और सभी बड़े बड़े शहर में हमारे भारत में एयरपोर्ट है। जैसे ट्रेन जाता है तो उसको रेलवे स्टेशन कहते हैं, ट्रेन जहाँ पे रुकती है हम लोग जाते आते हैं, हम लोग जहाँ से बस में चढ़ते हैं आते जाते हैं बस स्टैंड कहते हैं, ठीक उसी तरह प्लेन या हेलीकॉप्टर में जहाँ से हम चढ़ेंगे और उतरेंगे उस जगह को हम एयरपोर्ट कहेंगे। और हमारे भारत के सबसे बड़ी बड़ी सिटी में एयरपोर्ट की सुविधा भी है। थस वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज इन इंडिया फॉर ट्रैवलिंग एंड कैरिंग गुड्स ओवर ए लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस हो या दूरी की यात्रा हो, सभी जगह पे हमारा लैंड वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट यूज होती है। होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गए होंगे। फिर से बोल देते हैं, ये हार्ड वर्क को लर्न करना है और 3 times लिखना है और चैप्टर को रीड करना है। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।